मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? होप करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल मेघाज होम ब्लॉग। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे धूप भी निकल गया है और मैंने अपना चाय रख दिया है यहाँ पे। यहाँ पे चाय है और बच्चे को देने के लिए यहाँ पे दूध मैंने रख दिया है गर्म होने के लिए। और देख सकते हैं गैस का फ्लेम कितना कम है, ये ख़राब हो चुका है। मुझे चूल्हा भी दूसरा लेना है तो अभी नहीं ले पा रही हूँ। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने कुकर में आलू डाल दिया है धोखे से बॉयल करने के लिए। आज मैं चना आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी तो उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए वीडियो में आप लोग बने। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं सब्ज़ी बनाने के लिए। आलू बॉयल हो गया था तो मैंने निकाल दिया अलग बाउल में। और यहाँ पे मैंने तेल डाला, तेल में डाला है जीरा और सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा हींग। हींग डालने के बाद क्या होता है, टेस्ट थोड़ा अच्छा आता है। और हम लोग जिस तरह से खाना बनाते हैं उसमें हींग डाला जाता है, दाल भी फ्राई करते हैं तो उसमें भी हींग डालते हैं। तो यहाँ जब ये सारी चीज़ें चटक जाए तो उसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च यहाँ पे कूट के मैंने रखा हुआ था उसे पहले डाल देंगे। उसे डाल के एक मिनट तक पहले भूनेंगे, उसके बाद इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा अलग तरह से बना रही हूँ, आप लोग ज़रूर से देखिएगा, पूरा वीडियो वॉच करिएगा तब पता चलेगा, अगर स्किप कीजिएगा तो फिर नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा ये खाने में मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, थोड़ा हटके रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए प्याज भी मैंने डाल के भून लिया। अब डालने की बारी है टमाटर। यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ का टमाटर रफली चॉप करके डाला हुआ है। अब जैसे ही टमाटर डालते हैं तो उसी टाइम पे आपको नमक डालना है ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए, नहीं तो टमाटर खड़े खड़े रह जाते हैं और वो खाने में आते हैं तो अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं इसी टाइम पर नमक दे देती हूँ। तो यहाँ पे आप, अब बारी आती है सूखे मसाले की। मैं एक कटोरी में निकाल लेती हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, ज़ीरा पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। सारे मसाले जो भी बेसिक हैं आपके पास वो इसमें डाल दीजिएगा और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें डालना रहता है। अगर आपके पास छोले मसाले हैं तो 1 टेबल स्पून वो भी डालिएगा, टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाएगा, लेकिन मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं डाला। अगर आपके पास हो तो ज़रूर से डालिएगा। सारे बेसिक मसाले एक बाउल में निकालने के बाद, और इसे पानी में तो बिल्कुल भी वो ये घोलिएगा नहीं, ऐसे ही सूखे ही आपको डाल देने हैं इसमें प्याज में, टमाटर में, जब थोड़ा सा ये गल जाए। अब 1 मिनट के लिए मसाले को भी आपको भूनना है। अब देखिए यहाँ पे मसाले भून गए हैं मेरे, तो अब इसमें डाल दूंगी मैं चना। चना को रात में ही मैंने सोक करने के लिए रख दिया था और इसे अच्छे से 2 से 3 पानी में धो के इसे चून लिया, उसके बाद मैं यहाँ इसे डाल रही हूँ। फिर आप लोग बोलिएगा नहीं कि बिना धुले हुए डाल रही है। तो पानी देखिए कितना क्लीन है इसका। तो इसी तरह से मैं बनाती हूँ। और यहाँ मैंने जो आलू थे ना उसे थोड़ा सा कच्चे बॉयल किए थे, ज़्यादा आपको बॉयल नहीं करना है, तो इसी टाइम पे आप आलू भी इसमें डाल दीजिए ताकि मसाले के साथ ही अच्छे से मिल सके। और ये बॉयल आलू डालने के बाद होता क्या है कि आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है, पतली नहीं रहती है। और इसे फिर 2 से 3 मिनट तक आप हाई फ्लेम पर इसे भूनिए, उसके बाद पानी का यूज़ करना है। जब तक सब्जी भुना रहा है तब तक मैंने सोचा कि अचार मेरा धूप अच्छे से लग गया है मिर्ची के अचार में, मैं इसे कंटेनर में डाल देती हूँ, नहीं तो ऐसे ये बाहर में रहते रहते ख़राब हो जाएगा। तो अच्छे से मैंने मिर्ची में धूप लगा दिया था। ये मिर्च का अचार है। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक नीलॉन्स का अचार वाला था डब्बा, तो उसे को मैंने अच्छे से धो के सुखा के पोंछ के यहाँ पे मिर्ची का अचार इसमें डाल दिया। अब देखिए सब्ज़ी का क्या हाल है, दिखाती हूँ आप लोगों को। और इसकी खुशबू पूरे किचन में इतना अच्छा आ रहा था, मैं क्या ही बताऊँ। तो अब ये सब्ज़ी मेरी भुना गई है, अब इसमें पानी डालने की बारी है। पानी आप अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। सॉरी। अब पानी डालने के बाद इसे 5 से 6 विसिल आने तक मीडियम फ्लेम पर इसे आपको पकाना। मैं यहाँ गैस इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मेरा गैस ना बहुत स्लो है, मैंने बताया कि मेरा गैस ख़राब हो चुका है।
है, तो इसीलिए मैंने दिखाया कि फुल पे है, पर ये उसका जो फ्लेम है वो मीडियम पे ही काम करता है, तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर ही आपको 5 से 6 विसिल लगाने हैं। जब तक सब्जी हो रहा है तब तक मैंने सोचा कि रोटी भी फटाफट से सेक लेती हूँ ताकि दोनों काम साथ साथ हो जाए। और मेरे घर में चावल ना मेरे हस्बैंड नहीं खाते, कोई नहीं खाता, मेरे बच्चे भी नहीं खाते हैं, तो इसीलिए मैं कभी कभी रेयर बनाती हूँ चावल, नहीं तो ऐसे मैं रोटी ही बना लेती हूँ, क्योंकि अकेले के लिए ना काफ़ी आलस लगता है मुझे बनाना, इसलिए मैं ज़्यादातर रोटी ही बनाती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरी रोटी भी हो गई है, और इसे ढक्कन कर देते हैं बंद ताकि ये ठंडा नहीं हो। और यहाँ देखिए रायता कितना फैला हुआ है। यहाँ मैं अपने बेटे को दूध रोटी दे रही हूँ, तो दोनों को अभी जो है ना, जब तक सब्ज़ी का वो नहीं निकले, बिसिल नहीं निकलेगा ना, तब तक को मैं इसे दूध रोटी खिला देती हूँ। वैसे तो उसका फेवरेट है चना आलू की सब्ज़ी, पर बट अभी हुआ नहीं है, तो इसीलिए दूध रोटी उसे खिला दूंगी, तो वो एकदम निश्चिंत रहेगा। और यहाँ देखिए विसिल जब रिलीज़ हो गया तब मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं सब्ज़ी कितना अच्छा बना है, और काफ़ी टेस्टी इस तरह से सब्ज़ी लगती है। अब मैं इसे चेक करके बताती हूँ कि पका है नहीं। देखिए पूरी अच्छी तरह से पक गया, काफ़ी गर्म था ना इसलिए मेरे से हो नहीं पा रहा था। तो अब यहाँ इसे क्या करेंगे, फिर से हाई फ्लेम पर इसे जो है रख देंगे 2 से 3 मिनट के लिए खोलने के लिए, तब हम गरम मसाला का यूज़ करेंगे। जब बंद करने लगेंगे तब देखिए इस तरह से खोल जाए ना, तब आप यहाँ पे गरम मसाला डाल सकते हैं, और थोड़ा सा ये थिक भी हो गया है, तो अब मैं यहाँ पे डालूँगी गरम मसाला, डालकर अच्छे से इसे मिला दूँगी। मिलाकर आपको इसे ढक देना है और गैस का फ्लेम बंद कर दें। किचन का सारा काम करके मैं आ गई हूँ बाहर में बर्तन मलने के लिए। एक्चुअली ये ना बर्तन धोने के लिए ही मैंने बनवाया था, ताकि किचन ज़्यादा गंदा नहीं हो उससे बचने के लिए। और मेरे हस्बैंड भी यहाँ पे मेरी मदद करा रहे थे, उन्होंने कहा कि आप छोड़ दीजिए मैं कर दूँगा, तो मैंने कहा नहीं, बर्तन दिख रहे हैं आप लोग कितना सारा बर्तन है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं मैं भी कर देती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बच्चे भी काफ़ी मतलब मस्ती कर रहे थे यहाँ पर, तो ये इस तरह से रहता है ना आंगन में बनाया हुआ, तो वो अच्छा रहता है। बच्चे को भी नहा लीजिए, उसके बाद अपना भी काम हो जाता है, उतना किचन जो है मैसी मैसी नहीं होता है। तो मैं ज़्यादातर एक टाइम तो बर्तन में बाहर ही धोती हूँ, और एक टाइम मैं अंदर में धोती हूँ। और आज ना जो आती है बर्तन धोने के लिए वो नहीं आई हुई थी, तो इसलिए मुझे खुद ही करना पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए सारा कुछ हो गया, और बच्चे जो हैं वो परेशान कर रहे थे नहाने के लिए, फिर मैंने सोचा पहले उसे नहा देती हूँ तब कुछ करूँगी। और फिल्टर विल्टर जो था सब गंदा पड़ा हुआ था, तो सोचा आज जब क्लीन करने बैठी ही हूँ तो सारी चीज़ों को एक साथ ही क्लीन कर देती हूँ, तब बच्चे को नहाऊँगी। तो आप लोग वीडियो में चलिए बने रहिए। और इसके बाद मैं चली जाऊंगी नहाने के लिए, नहा के फिर अपना लंच करूंगी। अगर थोड़ा सा भी मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।